हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के ऊपर। हम अपनी डाइट में ऐसा क्या ऐड करें जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और हम डिजीज और इन्फेक्शन से दूर रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इम्यूनिटी होती कहाँ है। इम्यूनिटी होती है हमारे स्टमक, हमारे गट में। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तो उससे इम्यूनिटी फाइट करती है ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान ना हो सके। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आजकल COVID-19 आया हुआ है जो कि एक वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, तो इस सिचुएशन में हमारे माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम इंटरनली फिट रहें। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे अपनी डाइट में ऐड करके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो। हम अपनी हेल्दी डाइट पर तो ध्यान दे ही रहे हैं क्योंकि हेल्दी डाइट से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा फिट रहने की कोशिश भी कर रहे हैं और अपने डाइजेशन पर भी ध्यान दे रहे हैं क्योंकि 80% इम्यूनिटी होती है हमारे गट में, तो डाइजेशन का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डाइजेशन ख़राब है तो मे बी आपकी इम्यूनिटी भी लो हो। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी डाइट में दही ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर डाइजेशन सही रहेगा तो ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी। सो नंबर वन पॉइंट जो कि आपको अपनी डाइट में ऐड करना है वो है गार्लिक, मतलब लहसुन। हमारी बॉडी के अंदर पैथोजेंस होते हैं जो कि इम्यूनिटी को लो करते हैं। गार्लिक उन पैथोजेंस को रिमूव करता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपको एक स्लाइस गार्लिक का पीसेस में कट करके या तो आप पानी के साथ भी उसको चबा सकते हो या फिर आप उसे ग्रीन टी के साथ भी ले सकते हो। सेकेंड पॉइंट जो आपको अपनी डाइट में ऐड करना है वो है जिंजर, मतलब अदरक, और अदरक का आपको बनाना है काढ़ा। काढ़े के लिए आपको चाहिए एक ग्लास पानी, थोड़ी सी अदरक को कद्दूकस कर दो और उसको उबालो, और तब तक उबालो जब तक वो एक ग्लास हाफ ग्लास नहीं हो जाता, और जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप उसे पी सकते हो, और ये आप दिन में कभी भी पी सकते हो। एक और चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि अदरक और लहसुन हम सब्जी में डाल के भी खा रहे हैं तो वो उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है तो आपको अदरक और लहसुन को अलग से ही यूज़ करना होगा। थर्ड पॉइंट जो कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग करता है वो है विटामिन ए एंड विटामिन डी। विटामिन सी का तो सबको पता है कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिसके लिए हम ऑरेंज खाते हैं, आंवला खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है विटामिन ए एंड विटामिन डी से भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर करता है तो उससे फाइट करता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो विटामिन ए एंड विटामिन डी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं। तो विटामिन ए के लिए आप ले सकते हैं मैंगो, एंड आई होप मैंगो सबको पसंद होगा। एंड विटामिन डी के लिए आपको लेने हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपको पनीर खाना है, मिल्क ले सकते हो या फिर आप सोया मिल्क भी ले सकते हो। नंबर फोर्थ पॉइंट जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी वो है मिनरल, और मिनरल के लिए आप ले सकते हो जिंक। जिंक में आप खा सकते हो काजू, पिस्ता, नट्स, और अगर आप नॉनवेज हो तो आप फिश भी ऐड कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी वो है क्लोव, मतलब लौंग। तो आपको दो लौंग खानी है, चाहे तो आप लौंग को चाय में डाल के भी खा सकते हो, जिससे आपकी हेल्दी चाय बन जाएगी। नेक्स्ट जो आपको अपनी डाइट में ऐड करना है वो है हल्दी, और हल्दी आपको तब तक डाइजेस्ट नहीं होगी जब तक आप उसे फैट के साथ नहीं लोगे, और फैट के लिए आपको लेना है दूध, मतलब मिल्क। तो इन शॉर्ट आपको पीना है हल्दी वाला मिल्क, जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। नेक्स्ट जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है वो है सिनेमन पाउडर, मतलब दालचीनी पाउडर। तो आपको चुटकी भर दालचीनी पाउडर खाना है, और ये खाना है आपको रात को सोने से पहले, क्योंकि इम्यून सिस्टम की सारी एक्टिविटी रात को होती है। और आप चाहे तो आप हल्दी वाले दूध में भी दालचीनी पाउडर ऊपर से ऐड कर सकते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रॉपर रेस्ट। बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है। तो आपको कम से कम 7 to 8 hours स्लीप कंप्लीट करनी है। सो गाइस, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे फॉलो करके आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं ताकि आप इन्फेक्शन से दूर रहें। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिए वीडियो, क्योंकि इस वीडियो की हेल्प से वो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम में वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, बाय बाय।